हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ मनमत, क्वालिटी एनालिस्ट। आज हम बात करने वाले हैं बटन सैंकिंग के ऊपर। आप जैसे देख रहे हो, बटन बिल्कुल टाइट है, बटन में बिल्कुल भी सैंक नहीं है, जिसके वजह से गारमेंट की प्लाकेट में बम्स आ रहा है। चलो हम बटनिंग प्रोसेस रिव्यू करते हैं, बटन क्यों टाइट आ रहा है और हम क्या करेंगे, बटन में सैंकिंग आ जाएगा, उसके बाद गारमेंट की प्रेजेंटेशन लुक कैसे आएगा। चलो प्रोसेस रिव्यू करते हैं और सॉल्यूशन पे पहुंचते हैं। आप जैसे देख रहे हैं, बटन में बिल्कुल भी सैंकिंग नहीं है, टाइट है। अब चलो हम मैकेनिक से डिस्कस करेंगे कि इसको कैसे सही करेगा। अगर हमारे पास सैंकिंग बढ़ाने के लिए स्प्रिंग नहीं है तो हम रबर की टेप यूज कर सकते हैं, जिससे कि गैपिंग बढ़ जाए। अब आप देख सकते हो, आप देखिए बटन में बिल्कुल सैंकिंग है। ठीक है, यही गैप नहीं है ना इतना। अब सैंकिंग की तार हमने लगा दिया है, उससे क्या होगा, बटन में स्पेस आ जाएगा, गैप आ जाएगा। चलो स्टार्ट करें। बेसिकली लगाने में दिक्कत हो रहा है, उंगली में लगने की पूरी चांस है, बहुत चांस है। अब आप लोग देख सकते हो बटन में सैंकिंग है, बिल्कुल अब बटन प्रॉपर प्ले कर रहा है, जिसके वजह से बटन लगने के बाद कोई भी बम्प्स भी नहीं आया, प्लाकेट क्रूकेड नहीं है, प्लाकेट की प्रेजेंटेशन बिल्कुल अच्छा लग रहा है। इसीलिए रिकमेंड किया जाता है कि जब भी बटन लगाया जाए, बटन में थोड़ा सा प्ले के लिए सैंकिंग डाला जाए, सो दैट बटन प्लाकेट के साथ परफेक्टली बैठेगा। चलो हम दूसरे गारमेंट भी रिव्यू करते हैं। जैसे आप देख सकते हो, बटन में सैंकिंग है और बटन प्रॉपरली प्ले कर रहा है, और बटन क्लोजिंग के बाद प्लाकेट की प्रेजेंटेशन दिखी है, बटन प्लाकेट के साथ सही से बैठा हुआ है और प्लाकेट की प्रेजेंटेशन भी अच्छा लग रहा है।